हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का जो चैलेंज है मैं बहुत ही अलग लेके आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का जो चैलेंज है मैं वो बनाने जा रही हूँ, लिविंग लाइक अ प्रिंसेस मैड फॉर 24 आवर्स। और मैड बनने में तो किसी को खुशी नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आज का जो चैलेंज है, मैं अगन्या जो है प्रिंसेस बनी है और मैं उसकी आगे पीछे काम करने वाली दासी बनूंगी। तो देखते हैं ये चैलेंज कैसा रहने वाला है और क्या रहने वाला है पूरा एक्सपीरियंस। अभी तो मैंने कुछ नहीं बता सकती हूँ। हाँ, सुबह सुबह एज अ दासी मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा पाठ करके, और फिर जाऊंगी प्रिंसेस के रूम और प्रिंसेस को उठाऊंगी, उसको शाही बाथ दूंगी और उसके जो दिन भर का जो शेड्यूल रहेगा वो करूंगी। हाँ, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो प्रिंसेस है वो 21st सेंचुरी की प्रिंसेस है, तो थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी दासी भी थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिस्ट होगी। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर कुछ नॉर्मल सा शर्ट पहना हुआ, ठंड भी लगती है तो। और मैं वैसा दासी वाला लुक नहीं क्रिएट की हूँ, बस नॉर्मल सा है। बाकी जो सारे जो काम होंगे वो दासियों वाले ही होंगे, उसके पीछे लगे रहना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मैं उसकी मम्मी नहीं बनी हूँ, क्योंकि अगर वो बदमाशी भी करेगी या मुझे परेशान भी करेगी तो मैं उसे डांट भी नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए तो एक तरह से ये है ना कि एग्जाम का टाइम हो गया, कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उसे कैसे मारूंगी या कैसे डांटूंगी, ये तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन कंट्रोल कर पाती हूँ या नहीं, ये देखना बहुत मजेदार होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी अगन्या सो रही है और मैं उसकी दासी हूँ, तो इस हिसाब से मैंने उसके लिए आपको दिखा दूँ कि ये मैंने दो फूल जो है उसके लिए रख के तैयार कर दिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ उसको उठाने के लिए, शाही उठाना, क्या बोलते हैं, शाही बात होता है, तो शाही उठाऊंगी उसको, शाही तरीके से उठाऊंगी ताकि उसको भी प्रिंसेस वाली पूरी फील है। और कोशिश करूंगी कि मैं उसको पूरी तरह से प्रिंसेस की फील दूँ, कुछ हद तक तो मैं पूरी कोशिश करूँगी जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। और बाकी चलते हैं, देखते हैं, चलिए। तो मैं राजकुमारी को आवाज़ दे के नहीं उठा सकती, उन्हें इन फूलों के स्पर्श से उठाऊंगी ताकि हमें दंड ना मिले। राजकुमारी साहिबा उठ जाइए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे दो। राजकुमारी साहिबा अपने नींद से उठने का कष्ट करें, प्लीज उठ जाइए राजकुमारी साहिबा। तो मैं आप सबको बता दूं कि राजकुमारी उठ गई है और इसके बाद मुझे उनका स्नान का प्रबंध करना है। तो अभी मैं जाऊंगी साहिबाद की तैयारी करूंगी और उन्हें स्नान करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अगन्या को उठा दिया, यानी कि हमारी प्रिंसेस को हमने उठा दिया, और अब समय है उसका स्नान का प्रबंध करने का। तो मैंने उसके स्नान का प्रबंध भी कर दिया है, आपको दिखा दूं कि ये मैंने शाही बाथ तैयार किया उसके लिए। और ये है, इसमें है बेसन, हल्दी, शहद, नींबू, दूध, सबको मिक्स कर दिया मैंने, और उसे बीच में मैंने गुलाब से मैंने डेकोरेट कर दिया। और ये सारा इसका शाही बाथ की प्लेट भी हमने तैयार कर दी है, और इसे मैं अब जाके उसके बाथरूम में रख दूंगी ताकि वो जाए और शाही बाथ ले ले। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने राजकुमारी के नाश्ते का प्रबंध कर दिया है और यहाँ मैंने टेबल में भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके थोड़ा दिखा दूँ, बाकी ब्यूटी शॉट्स तो मैं अलग से दिखा दूंगी कि यहाँ पे इसके लिए मैंने थोड़ा सा रोज पेटल से डेकोरेट कर दिया प्लेट्स को, और यहाँ पर मैंने रेड वेलवेट केक इसके लिए लाया क्योंकि राजकुमारी को बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है ये पनीर चीज़ पेटीज, उसे बहुत पसंद है, तो इसे भी मैंने फूलों के पेटल से मैंने थोड़े डेकोरेट कर दिए। ज़्यादा फूल मैंने नहीं डेकोरेट किया वरना वो खाने के बीच में आ जाएंगे, इसलिए इसे अच्छे से डेकोरेट करके यहाँ पर लगा दिया है। और एक और प्लेट है मिठाई की, जहाँ पर इसे बोलते हैं अरसा, और ये है मोती मतलब बूंदी के लड्डू, और इसे भी मैंने रोज पेटल से डेकोरेट किए हैं ताकि उसे जो इसमें से खाने की इच्छा हो राजकुमारी अपने हिसाब से चूज कर ले। और ये है रस मलाई राजकुमारी के लिए, तो उसके नीचे हमने फूलों के पेटल्स लगाए क्योंकि प्लेट्स में तो हम साइड में लगा सकते हैं, लेकिन ये बाउल था तो मैंने इसके नीचे लगा दिया रोज पेटल्स। और ये रस मलाई जो मुझे
मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, तो ये राजकुमारी के लिए है। और एक गिलास पानी। तो अब समय आ गया है कि मैं राजकुमारी के पास जाऊं और उसको बोलूं कि आपके नाश्ते का प्रबंध कर दिया गया है, आप आइए बैठिए और नाश्ता करिए। मेरा दिल खुश हो गया। दासी, आज तुम्हें सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। धन्यवाद राजकुमारी, नाश्ता ग्रहण करिए। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं अब बिहाइंड द कैमरा हूँ और मैं शूट कर रही हूँ और ये खाए जा रही है, एक बार भी मुझसे पूछ नहीं रही है। थोड़ा हमें भी दे दो, थोड़ा हमें भी दे दो, मेरी रसमलाई बहुत पसंद है। दासी, किचन में जाइए और जो खाना बचा हुआ है वो खा लीजिए। अत्याचार किया जा रहा है मेरे साथ, ठीक है। मैं भी कभी बनूंगी ना चैलेंज में, तो मैं प्रिंसेस की जैसे ट्रीट करूंगी, अगर बनी तो। तो गाइस, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं कि अब हमारी जो राजकुमारी थी वो अपना ब्रेकफास्ट को आधा अधूरा छोड़ के वो चली गई, क्योंकि उसका आधा अधूरा में ही पेट भर गया। तो बाकी के जो बचे कुचे हैं वो हम जैसी दासियों के लिए होते हैं, क्योंकि जब वो खा रही थी तो मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तो ये उसका छोड़ा हुआ जूठा जो भी नाश्ता बचा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ दो थे एक थे, आधा आधा सब बचा हुआ है, ऐसे करके सारा छूटा हुआ है। तो अभी इसे मैं ग्रहण करती हूँ एज अ नौकरानी। तो मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी राजकुमारी को रेडी करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके रेडी करने के लिए मैंने क्या क्या सामान का प्रबंध किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। देखा, प्रिंसेस अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है और अपने ब्रेकफास्ट से वो बहुत खुश थी। उसके लिए उसने अपने इस दासी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और मुझे सोने की मुद्राएं भी मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जो है, अब मैं आपको बता दूं, उसे रेडी करना है और रेडी करने के लिए मैंने आपको बता देती हूँ कि ये उसकी ग्लव्स है और ये उसका नेकलेस है। मैं आपको दिखा दूँ कि प्रिंसेस बनने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, सजाने संवारने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ये उसकी नेकलेस है, उसके ड्रेस से मैचिंग, और ये उसके साथ जूड़ा में लगेगा कुछ, और प्रिंसेस है तो ऑफकोर्स प्रिंसेस क्राउन, और ये सारे इसमें बास्केट में हेयर एसेसरीज वगैरह, जूड़ा पिन वगैरह जूड़ा। और नेक्स्ट जो बास्केट में है ये मेकअप का पूरा किट है, जिसमें आई शेडो है, हाइलाइटर है, एक और हाइलाइटर है, ब्लश है, फेस पाउडर है, जो भी मेकअप का सामान है वो ये ग्लिटर है, क्योंकि अगर आईज़ को और अच्छा स्मोकी लुक और थोड़ा ग्लिटरी लुक देते हैं तो बहुत अच्छा प्रिंसेस वाली आती है। और ये सारा ब्रश का किट है। तो हमने ये प्रिंसेस का पूरा टेबल डेकोरेट करके रख दिया है, अब बस प्रिंसेस को बुलाऊंगी और उसे अच्छे से सजाऊंगी ताकि वो अपने महल से बाहर जाए, लोगों से मिले और अपने बगीचे जाए, घूमे फिरे, जो भी उनको करना है अपने हिसाब से वो करे। तो अभी हमारा यही है कि हम उसके पीछे लगे रहते हैं और उसको अभी उनका खुद उसका मुझे मेकअप भी करना है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, बस मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब से ही देखे, यूट्यूब से ही सीखे, जो भी कुछ सीखे तो उसी हिसाब से मैं मेकअप करती हूँ उसका। तो अगर मेकअप में कुछ गड़बड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ मुझे जज मत करना कि मेकअप बहुत ऐसा किया वैसा किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि
पहले बता चुकी हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे मेकअप करना नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं उसको करूँगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि प्रिंसेस जो अपने पैरों में पहनेगी, ये उसकी बेली है और उसकी ड्रेस से मैचिंग करता हुआ है, ये आप देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंसेस की ड्रेस, ये उसकी ड्रेस है और ये उसकी फेवरेट ड्रेस में से एक है प्रिंसेस की, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नेट का कुछ फ्रिल टाइप से लगे हुए, तो ये प्रिंसेस को बहुत पसंद है। तो हमने आज उसके लिए ये ड्रेस निकाले हुए प्रिंसेस के लिए, ताकि वो इसे पहने और बाहर जाए। तो अब जाती हूँ मैं प्रिंसेस को बुलाने के लिए, ताकि वो अपने घर से बाहर बगीचे में लोगों से जो भी उनका जो भी आज का शेड्यूल है वो उसे पूरा करे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो प्रिंसेस यहाँ पे आ चुकी है और अब मैं जाऊँगी और इसका मेकअप करूँगी। आई होप कि इसको मेकअप मेरा पसंद आए, तो अगर पसंद नहीं आता तो फिर भी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मुझे प्रिंसेस लुक मेकअप आता नहीं है। अब देखते हैं कि इनको आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो डंट दे देंगे। डंड मिलेगा मुझे, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं पहले। तो आप ये मेकअप को फास्ट फॉरवर्ड में मेक करती हूँ, तो बैठ जाइए। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. Try puff on the right side, put it up in your mind. But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? तो गाइस, मैंने प्रिंसेस को रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो कैसा है। और ये मैंने ग्लव्स भी पहनाए प्रिंसेस वाली, और आप इसके मेकअप देख सकते हो, मैंने आई शेडो ग्लिटर शेड में लगाए हैं और पूरा मेकअप किया हुआ है, तो ऐसा है। और बाकी ये ड्रेस है, और लेकिन एक कमी यहाँ रह गई है, वो ये है, टन टना, इसके क्राउन। तो अभी मैं इसके क्राउन को यहाँ इसके सर पे सजाऊंगी, तो फाइनली मैं इसके क्राउन को, तो इसके बाद ये फाइनली रियल प्रिंसेस बन जाएगी।
तो ये हो गया है इसका पूरा मेकअप डन, और इसके बाद मैं इसको लेके जाऊंगी गार्डन में और इसका फोटोशूट होगा, वहाँ इसके कुछ ब्यूटी शॉट्स होंगे, और उसके बाद मैं इसको लेकर जाऊंगी प्रजा के पास, जहाँ ये प्रजा के पास जाएगी और वहाँ पे बोलेगी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, और कुछ भी उसके सवाल जब आप इसके वीडियो में आप देख ही लोगे। दासी आओ और मेरे पैर दबाओ। गुस्ताखी माफ राजकुमारी साहिबा देर से आने के लिए। मैं तो बहुत थक गई मैम इस टक टक बना बना के। तो देखा फ्रेंड्स, आज मुझे 24 घंटे इसकी दासी बन के बहुत गंदा लगा। दिन भर इसने ऑर्डर मारा है खूब, और अभी लास्ट में पैर भी दबवा रही है। कोई नहीं, अगर दासी बनी हूँ तो मैंने फाइनली ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया, और अपना पैर अब साइड कर लो, मेरा चैलेंज भी खत्म हो गया है, अब मैं राजकुमारी बनी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं, अब मैं फ्री हूँ। आई पड़ा राजकुमारी बनने प्रिंसेस, अब मैं प्रिंसेस बनूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बहुत ब्लैकमेल हुआ है मेरे साथ। हाँ, गंदा हुआ है मेरे साथ। किसी, मैंने इसको कितना मेहनत किया, इसके पीछे इसको पैम्पर कर रही हूँ, राजकुमारी साहिबा गुस्ताखी माफ, इतना मतलब हमेशा ये डांटने में लगी हुई रहती हो और अपना एटीट्यूड दिखा रही थी अलग से, मैं प्रिंसेस हूँ तो आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, और मैंने कुछ हद तक पूरी करी, और मैं कुछ भी नहीं, आज तो गजब ही हो गया फ्रेंड्स, आज मैंने इसको डांटा तक नहीं। चैलेंज इतनी जल्दी खत्म हो गया, अभी आपको पता मुझे कितनी कुछ करनी थी, अभी मुझे शॉपिंग करनी थी, और फिर अभी मुझे फ्लाइट में जाना था। हाँ, फिर यूएस में भी थोड़ा बहुत घूम लेते। हाँ, वहाँ पर प्रिंसेस के जो व्हाइट हाउस के जो पैलेस होता है ना, वहाँ पर भी इसको घूमना था, तो इसके तो खासे कभी बंद नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा इसी के साथ 24 आवर्स चैलेंज भी खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।